हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए ट्यूशन जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी टीजीटी का जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे बहुत दिनों से कि परीक्षा कब होगी, क्योंकि इसको पहले बताया गया था कि ये बहुत जल्द होने वाली है। तो यहाँ पर बोर्ड की तरफ से देखिए, एक आपको ऑफिशियल नोटिस और पेपर में उन्होंने ऑफिशियल नोटिस दे दिया है कि चयन बोर्ड की तरफ से मिला हुआ है कि 15 अगस्त से पहले टीजीटी और प्रवक्ता यानी पीजीटी का एग्ज़ाम 2021 भर्ती परीक्षा हो जाएगी। तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, जो बच्चे बहुत दिन तैयारी कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे, कोरोना के चलते उनका परीक्षा नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी और उन बच्चों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो जो बच्चे शारीरिक शिक्षा की परीक्षा और कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो बच्चे मेरे चैनल को ज़रूर देखें। और मैं वहाँ पर अभी आपके सारे जितने भी यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं 1999 से लेके 2016 तक के पेपर्स को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि देखिए अब वो आपकी तैयारी करने के लिए समय नहीं है जैसा कि आप तैयारी करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि अगर पुराने पेपर को भी देख लेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप उनको कम से कम अच्छे से कर पाएंगे। और इससे आप ये भी देख पाएंगे कि अगर आपने तैयारी कर चुके हैं तो आप कितने तैयार हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। तो इसके लिए बने रहिए। आइए आगे और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा 2021 तक पूरी करेगा शिक्षक भर्ती, ठीक है, इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं और वहाँ भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर है, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और प्रवक्ता 2021 की भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना संक्रमण के कम होते ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अगस्त के पहले पखवाड़े में परीक्षा पूरी करवा लेगा। ऐसे माना जा रहा है कि 15 अगस्त पहले परीक्षा हो जाएगी। चयन बोर्ड अध्यक्ष वीरेश्वर कुमार की अध्यक्षता मंगलवार को हुई बैठक में तय किया गया है कि दिसंबर तक टीजीटी प्रवक्ता की भर्ती भी पूरी कर ली जाएगी, जबकि जुलाई 2016 की, आगे देख लेते हैं यहाँ पे, जुलाई 2016 की टीजीटी की शेष साक्षात्कार कराने की तैयारी भी हो रही है। तो जुलाई में जो 2016 के बच्चे बचे हुए हैं और बच्चों का बना हुआ है तो उसका भी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि चयन बोर्ड ने यह फैसला जो लिया है बहुत ही शानदार फैसला है। और आप आगे यहाँ ये भी देख सकते हैं कि 2013 का साक्षात्कार जो प्रधानाचार्यों का रुका हुआ है वह भी पूरा हो जाएगा। भर्ती 2013 का साक्षात्कार अगस्त में कराए जाने पर सहमति बनी है। 2011 प्रधानाचार्य रिजल्ट भी घोषित किए जाने पर बनी है। आगे देख लेते हैं, भर्ती में देरी के बाद क्या कहा है, ये देखा जा रहा है कि भर्ती में देरी के बाद समय बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील करेगा चयन बोर्ड। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, आप इसको देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने टीजीटी प्रवक्ता 2021 भर्ती जुलाई तक पूरी कराने की आदेश दिया था। तो मैं बताना चाहूँगा कि पहले ये जुलाई तक होने वाला था और अब इसको, क्योंकि कोरोना संक्रमण हो गया तो इसको अब क्या किया गया है, अब इसको चेंज करके अगस्त में, अगर 15 अगस्त से पहले इस भर्ती को पूरा करा लेंगे, ठीक है, कोरोना संकट की वजह से भर्ती प्रक्रिया पूरी कराना संभव नहीं है, ऐसे में चयन बोर्ड सुप्रीम कोर्ट से इस बात भर्ती प्रक्रिया का दिसंबर तक पूरी कराने के लिए समय मांगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में चयन बोर्ड से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को टीजीटी प्रवक्ता भी भर्ती परीक्षा जुलाई तक पूरी करने का निर्देश दिया था। आगे देख लेते हैं, चयन बोर्ड की पूर्ण ऑफलाइन बैठक के दौरान तय किया गया कि टीजीटी सामाजिक विज्ञान 2016 के बाकी बचे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार जुलाई में कराए जाएंगे। बोर्ड जून में साक्षात्कार कराना चाह रहा था, परंतु किसी विशेषज्ञ के आने को तैयार होने से, मतलब कोई भी विशेषज्ञ यानी कि जो इंटरव्यूअर होते हैं वो नहीं आ रहे थे, इस वजह से उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है, साक्षात्कार का निर्णय लेना पड़ा। इस दौरान टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के साक्षात्कार एवं टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा के लिए बोर्ड के सदस्य दिनेश मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। कमेटी के निर्णय के बाद टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के साक्षात्कार जुलाई में ही टीजीटी सामाजिक विज्ञान का साक्षात्कार खत्म होने के बाद कराया जाएगा।
तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी खबर है उन बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं, शारीरिक शिक्षा में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको 1999 से लेकर 2016 तक के जितने भी पेपर आए हुए हैं उन सबको मैं अब पूरा डेली हम एक पेपर सॉल्व करेंगे, और आप अपनी परीक्षा में कितना तैयारी कर चुके हैं आप इसको भी जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।